इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं युगांडा, ईस्टर्न अफ्रीका के बुडोंगो में, जो एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और अपने शानदार महोगनी के पेड़ों के लिए जाना जाता है। ये फॉरेस्ट रिजर्व 825 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जहां 600 चिंपैंजीज रहते हैं। इन घने पेड़ों में बसने वाले चिंपैंजीज के इस सोनसो समुदाय को रिसर्चर्स की टीम 30 सालों से स्टडी करती आ रही है। स्टडी करने वालों के इन टीम्स में से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज की प्राइमेटोलॉजिस्ट कैथरीन होवेटर। सोनसो चिंपैंजीज पिछले 30 सालों में रिसर्चर्स के आने जाने के आदि हो गए हैं, जिससे उनके सामाजिक जीवन में और करीब से देखने को मिलता है, जो उनके जन्म से शुरू होता है। रिसर्चर्स विस्तार से उनके सामाजिक जीवन को वक्त के साथ बदलते और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। चिंपैंजीज के लिए सोशल नेटवर्क्स बहुत जरूरी होता है। इन सामाजिक संबंधों के जरिए वो रिसोर्सेस तक पहुंचते हैं और खतरे से अपना बचाव करते हैं। समुदाय के सदस्य एक दूसरे का बचाव करते हैं और संवारते हैं और बच्चों को पालने में मदद करते हैं। शुक्र है इनके नेटवर्क्स का, जिनकी वजह से चिंपैंजीज को लगातार पहरेदारी नहीं करनी पड़ती और वो थोड़ा आराम कर सकते हैं। चिंपैंजीज कई तरह के रिश्ते बनाते हैं। नर सारी जिंदगी अपने पैदाइशी समुदाय में रहते हैं। ये समुदाय के दूसरे सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बना लेते हैं। बचपन की पक्की दोस्ती जिंदगी भर चलती है। मादाएं जब बड़ी और समझदार हो जाती हैं, तो आम तौर पर वो आसपास के समुदायों में चली जाती हैं, जहां उन्हें नए संबंध बनाने पड़ते हैं। सारी मादाएं बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं होती। कुछ मादाएं जब तक प्रजनन का वक्त नहीं आता, तब तक सीमा में रहना पसंद करती हैं। नरों के लिए खतरे ज्यादा होते हैं। उनका अकेले बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। अगर वो अकेले जाते हैं और दूसरे ग्रुप के नरों से उनकी भिड़ंत हो गई, तो उन्हें गहरी चोटें आ सकती हैं और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इसलिए अपने पारिवारिक समुदाय में दोस्तों के साथ रहने में ही भलाई है। किसी भी चिंपैंजी की सफलता और जिंदा रहना सिर्फ उसका साइज और ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसमें सोशल नेटवर्क का भी हाथ होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ चिंपैंजीज दूसरों की तुलना में ज्यादा बड़े, मजबूत और लचीले सोशल नेटवर्क्स बना लेते हैं? लगता है कि यहाँ से पर्सनालिटी का काम शुरू होता है। रिसर्चर कैथरीन होबेटर इन सोनसो चिंपैंजीज के सामाजिक जीवन की स्टडी में माहिर है। ऐसा लगता है जैसे इनकी पर्सनालिटी का इनके चाल चलन को तय करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। असल में इनका चाल चलन कुछ कुछ हमारी तरह ही होता है। कुछ क्यूरियस और क्रिएटिव होते हैं, कुछ बड़े आराम से रहते हैं, जबकि दूसरे आक्रामक होते हैं। कुछ चिम्स नर्वस होते हैं या ज्यादा सावधान रहते हैं।